हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास 3 साइंस में आज रिवीजन हम लोग लेसन नंबर 4 में आज करेंगे सोशल इंसेक्ट। आज हम लोग को पढ़ना है सोशल इंसेक्ट के बारे में, लेसन नंबर 4। और सब्जेक्ट जो है आपका साइंस, इसमें हम लोग रिवीजन करना है। तो सोशल इंसेक्ट क्या है? सोशल इंसेक्ट, देयर आर सम इंसेक्ट हु लिव टूगेदर इन लार्ज ग्रुप इन कॉलोनी। कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि एक साथ बड़ी संख्या में एक कॉलोनी बना करके जिस तरह से रहते हैं, कॉलोनी बोला जाता है उस प्रकार से ग्रुपों में रहते हैं। दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट, उन्हें जो है हम लोग सोशल इंसेक्ट कहते हैं। जैसे हनी बी, वास्प एंड टर्माइट्स। तो ये लोग जब भी जहाँ भी आप देखेंगे, हनी बी हुए, एंट्स हुए, तो ये लोगों का ग्रुप होता है, वो एक साथ बहुत सी संख्या में लोग रहते हैं। दीज कॉलोनी हैव थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स, इन कॉलोनी में हजारों सदस्य होते हैं। देयर इज ए परफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर, और ये लोग एक ऐसे परफेक्ट होते हैं जैसे कि एक साथ किसी काम को करना होता है तो एक साथ जुट जाते हैं। एवरी मेंबर हैज ए वेल डिफाइंड, और सभी लोगों का अंदर एक अच्छी सोच होती है, अच्छी रोल होती है एक साथ काम करने का। हनी भी आप जानते हैं, आप गांव में घरों में मधुमक्खी के छाते को देखे होंगे। तो हनी बी बर्ड बी हाइव इन विच दे कलेक्ट नेक्टर टू मेक हनी। मधुमक्खी अपनी छाता बनाती हैं, उसमें हनी को इकट्ठा करके रखती हैं, शहद। देयर इज वन क्वीन बी, और उस छाते के अंदर एक ही रानी मक्खी होती है, हुज ओनली वर्क इज टू ले एग्स, केवल उसका काम है अंडा देना। द रेस्ट आर वर्क्स बी हु कलेक्ट फूड, लुक आफ्टर द बेबी बर्ड एंड डिफेंड द कॉलोनी। और बाकी सब मक्खियों का काम होता है भोजन को इकट्ठा करना, बच्चों की देखभाल करना और एक कॉलोनी का निर्माण करना। बीज डू नॉट स्टिंग अनलेस दे आर थ्रेटेंड, ये मक्खी आपको जब तक नहीं काटेंगी या मारेंगी तब तक कि उनको कोई या परेशानी नहीं करेंगे। द स्टिंग ऑफ हनी बीज आर क्वाइट पेनफुल, और हनी बी का जो स्टिंग होता है, जो काटती हैं या डंक मारती हैं, बहुत ही वो दर्द होता है। इट काज रेडनेस एंड स्वेलिंग इन द स्किन, उसके काटने से लाल हो जाता है चमड़े पर, स्किन पे, और सूजन हो जाता है। एंट्स आल्सो लिव इन बी कॉलोनी कॉल्ड एंथिल्स, चींटियों को आप लोगों ने देखा होगा, वो भी बड़े एक कॉलोनी में रहती हैं जिसको कि एंथिल कहते हैं। एंट्स वर्क वेरी हार्ड टू फीड, वे लोग भी भोजन के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती हैं। द यंग वंस एंड स्टोर फूड फॉर द विंटर, और ये बड़ी बड़ी जो चींटियाँ होती हैं अपने छोटे बच्चों के लिए, वो लोग क्या करती हैं कि भोजन को इकट्ठा ठंडा के लिए, ठंडे के दिन के लिए वो इकट्ठा करती हैं। वर्कर्स एंड कलेक्ट फूड फॉर ऑल द अदर एंड, और सभी एक साथ मिलकर के भोजन को इकट्ठा करती हैं, और सभी एक दूसरे चींटियों के लिए कॉलोनी बनाते हैं। एंट्स हैव बीन फाउंड टू बी कैपेबल फॉर कैरिंग वेट टेन टाइम्स मोर देन दियर वेट। ये समझिए, चींटी का जितना वजन होता है उनसे 10 गुना वजन के भार को वो ले जा सकती हैं और ले जाती हैं। एक वास्प होते हैं, आर आल्सो कॉल्ड सोशल इंसेक्ट, वास्प जो एक सोशल इंसेक्ट हैं,
विच ईट वुड, जो कि लकड़ी को खाते हैं. दे मेक पेपर लाइक हाइव बाई यूजिंग सिल्वा एंड वुड पेस्ट, और वे मेक पेपर लाइक हाइव, पेपर की तरह वे सिल्वा यूजिंग करते हुए वुड पेस्ट की तरह वो बना देते हैं, यानी कि डस्ट टाइप. द बाइट ऑफ वास इज आल्सो क्वाइट पेनफुल, जब वे लोग भी काटती हैं तो बहुत काफी दर्द होता है. इसके बाद हम लोग हार्मफुल इंसेक्ट. सम इंसेक्ट आर कैरियर ऑफ डिजीज लाइक हाउस फ्लाई एंड मॉस्केटो. हाउस मॉस्केटो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि बीमारी को लागते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई हैं, मॉस्केटो हैं. हाउस फ्लाई फीड ऑन गार्बेज. हाउस फ्लाई जो घर की मक्खियां जो होती हैं, आप देखे होंगे, वो गार्बेज को भोजन करती हैं, खराब मटेरियल जितने हैं उनका भोजन करती हैं. ह्यूमन वेस्ट, आदमी का फेंका हुआ चीज़ों को भोजन करती हैं. दे पिक अप जर्म्स ऑन देयर लेग्स, और वे लोग उनके पैर में जो कीटाणु होते हैं उनको वो पकड़ते हैं. एंड ट्रांसफर देम टू फूड ऑन विच दे सी, और जिस पर वे मक्खियाँ बैठती हैं उनसे वो उस जर्म को उस भोजन पर ट्रांसफ़र कर देते हैं. ईटिंग सच इंस्पेक्टेड फूड कैन काज, अगर वैसा भोजन आप करते हैं तो उसके कारण डायरिया, डायसेंट्री, कॉलरा होने की संभावना हो जाती है. मॉस्केटो बाइट स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया. मॉस्केटो को काटने से आपको मलेरिया की बीमारी होती है और डेंगू की बीमारी होती है. सिल्वर फिश एंड टर्माइट्स डैमेज बुक्स एंड वुड. एक छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं जो कि किताब में लग जाते हैं, जिस और लकड़ी में लग जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं देहात में देवका, तो वे हमारे किताब को लकड़ी को बर्बाद करते हैं. दे कैन डिस्ट्रॉय द वुड एंड फर्नीचर इन आवर हाउस. वो घर में जो फर्नीचर रहें, टेबल कुर्सी, उसमें अगर लग जाते हैं उनको भी बर्बाद कर सकते हैं. बाइट ऑफ बॉक्स वास लाइज बीज कॉज इचिंग रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑन द स्किन. अगर ये काटते हैं तो आपके स्किन पे रेडनेस हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएंगे, सूजन. लोकोट्स ईट फुली ग्रोन क्रॉप्स स्टैंडिंग इन फील्ड्स एंड डैमेज देम. एक वो इंसेक्ट होते हैं जो कि लोकोट्स होते हैं, ये फुली जो खिले हुए फूल पौधे होते हैं उनके ऊपर बैठ करके उनको डैमेज कर देते हैं. यूजफुल इंसेक्ट, आपके लिए उपयोगी इंसेक्ट कौन है इसको देखेंगे आप. वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी विच इज यूज फॉर सेवरल थिंग्स. हनी बी को आप जानते हैं, हम लोग उसका प्रयोग जो है हम लोग उससे यूजफुल मानते हैं, उपयोगी मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत से काम में आते हैं. वी गेट सिल्क फॉर्म सिल्क वर्म. सिल्क फॉर्म सिल्क जो है हम लोग सिल्क वर्म से मिलता है. बटरफ्लाई बम्बल बी एंड सम अदर इंसेक्ट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन. कुछ ऐसे तितलियाँ होती हैं, बी बम्बल बी होती हैं, जो कि हमारी पोलिनेशन में सहायता करते हैं. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. पोलन ग्रेन्स हेल्प प्लांट टू प्रोड्यूस सीड. तो वे लोग दूसरे पौधों से पौधों को प्रोड्यूस सीड करने में मदद करते हैं. अदर टीनी एनिमल्स. देयर आर many other tiny animals which are not insect. बहुत से छोटे छोटे जानवर हैं जो कि इंसेक्ट नहीं है. लेट्स नो मोर अबाउट देम. उसके बारे में जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि स्पाइडर है.
स्पाइडर को आप जानते हैं मकड़ी, स्पाइडर है नाइदर इंसेक्ट नॉर वॉर्म। स्पाइडर तो इंसेक्ट है ना तो वॉर्म है। इंसेक्ट हैव सिक्स लेग्स बट स्पाइडर हैव एट लेग्स। इंसेक्ट को छः पैर होते हैं मगर स्पाइडर को आठ पैर होते हैं। द स्पाइन वेव यूजिंग लिक्विड प्रोड्यूस बाय दियर बॉडी, जो उनके बॉडी से लिक्विड प्रोड्यूस होते हैं उनसे वो जाल बनाते हैं। दे ईट द इंसेक्ट विच गेट ट्रैप्ड इन दियर वेब, तो जो उनके जाल में फंस जाता है छोटे छोटे कीटाणु उनसे वो भोजन करते हैं। वर्म आर लॉन्ग क्रिएचर विच ट्यूब लाइक बॉडीज एंड नो बोन्स। वर्म होते हैं एक लंबे जीव होते हैं, ट्यूब लाइक बॉडी होता है और उनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती हैं। दे हैव ए फ्लैट हेड, उनके सिर भी फ्लैट होते हैं बराबर, सिगमेंट बॉडी विच हेल्प देम इन मूवमेंट, उनको चलने में मदद करता है। दे कैन नॉट फ्लाई बट क्रीप, वे लोग उड़ते भी नहीं हैं और बल्कि रेंग रेंग करके चलते हैं, क्रावल करते हैं, रीगल करते हैं। अर्थवॉर्म्स, सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स आर कॉमन वॉर्म। सेंटीपेड्स है 15 to 200 legs, अब देहात में देखा होगा जिसको गुंजर कहते हैं सेंटीपेड्स, उनके 15 से लेकर 200 पैर होते हैं। दे फीड ऑन डेड एंड डेकेइंग प्लांट्स मैटर, वे मरे हुए पौधों को, सूखे हुए पौधों को वो खाते हैं, उनका वही भोजन है। अब इसमें ये लेसन समाप्त हो गया, तब तक के लिए थैंक यू।